अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली जहाँ भी होगी खैरियत के साथ होगी। जी आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन तंदूरी, तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए जी देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। यहाँ पर जी मैंने चिकन लिया है, फुल लेग्स लिए हैं, तो इनको मैंने सोल्ट और विनीगर लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब इसमें जो और चीज़ें जाएंगी, यहाँ पर जी कसूरी मेथी है, नमक है, इस पे जायका, वाइट पेपर है, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, पपरिका पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा मैंने रेड कलर लिया है। यहाँ पर जी पैकेट वाला मसाला है और ये रेड चिलीज़ हैं। यहाँ पर मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट लिया है, थोड़ा सा ऑयल, हाफ लेमन और थोड़ा सा योगर्ट। इसमें जी पहले जाएगा योगर्ट, ऑयल, लेमन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये तमाम मसाला जार जो मैंने आपको पहले बताए थे। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जी अब ये चिकन लेग्स इसमें जाएंगी। चलें जी हाथों की मदद से मैं इसको अच्छी तरह ये लगा लूँगी। देखिए जी मसाला अच्छी तरह लग चुका है। इसको मैं एक घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी, फिर इसके बाद ये ओवन में जाएगा। देखें जी यहाँ पर हमारा चिकन रेडी हो गया है ओवन में जाने के लिए। तो मैंने एक ट्रे ले लिया है, उस पर ऑयल लगा लिया है, तो इसमें मैं चिकन रखूँगी। आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा गला सख्त ख़राब है, तो इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है। देखें जी ये चिकन अब रेडी है ओवन में जाने के लिए। तो इसे तकरीबन मैं 40 मिनट के लिए ओवन में रखूँगी। यहाँ पर जी चिकन रेडी है ओवन में जाने के लिए। अब इस पर फोइल लगाऊंगी। अब जी ये ओवन में जाएगा तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए जी हमारा तंदूरी चिकन रेडी हो चुका है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, तो मुझे बताइएगा आपकी कैसी बनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।